हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी में भी काम किया मैंने काफ़ी सारी फिल्में, तो सब पकड़ के 100 फिल्म एज एन एक्टर है। और ये मेरी 10वीं फिल्म एज ए डायरेक्टर, मैंने हिंदी में भी 4 फिल्में डायरेक्ट की है और कन्नड़ में भी 3 फिल्में किया मैंने। तो ये फिल्म जो है एक इमोशनल फैमिली फिल्म है जिसमें एस्थर नोरोना, निहाल टावरो और काफ़ी सारे ऑन्सेंबल कास्ट है जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की है। ये है, ये फिल्म एक्चुअली कन्नड़ा, हिंदी, तुलु, कोंकणी 4 लैंग्वेज में बनी है। प्राइमरली कन्नड़ा से हिंदी में साइमल्टेनियसली शूट किया हमने, ये डब फिल्म नहीं है, शॉर्ट साइमल्टेनियसली। और राजेश चौधरी इसकी प्रोड्यूसर है, इनकी पहली फिल्म है ये। इनकी बेटी अश्मिता और इनकी और छोटी बहन है अमीशा, उनके बैनर तले अश्मिता अमीशा फिल्म तले ये फिल्म बनी है। निहाल टावरो आप सब जानते हैं एज अ सिंगर, तो इस फिल्म में उन्होंने सिंगिंग ना करते हुए एक्टिंग में उन्होंने अपना कदम रखा है। और इट्स अ वेरी इमोशनल फैमिली फिल्म विद सॉन्ग्स, हैप्पीनेस, सैडनेस, एंड फिल्म बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगी। रेस्ट वेल क्वेश्चन आंसर्स आई कैन लेट यू नो। या हाँ जी सर, थैंक यू। आपकी जर्नी रही है 100 फिल्म की, अगर हाँ दो लाइनों में अगर उसको बयां करना चाहें। ओके मैंने शुरुआत की थी 1991 में हिंदी फिल्मों से। आई वॉज अ जूनियर आर्टिस्ट दैट टाइम, मैंने फूल और कांटे, जीवन एक शतरंज, काफ़ी सारे फिल्मों में काम किया तभी 1991 में। तभी मैं एक्टर रह चुका हूँ, उसके बाद तुलु कुंकनी फिल्म में मैंने लीड किया है, कैरेक्टर रोल्स कन्नड़ा फिल्म में काफ़ी सारे करके अभी जाके 100 फिल्म एज एन एक्टर, फुल फ्लेज्ड एक्टर कर रहा हूँ मैं। एंड मेरी पिछले कई सालों से कुछ फिल्में ऐसी हैं जो जिसमें मुझे अवार्ड मिला है। एक्चुअली टू बी फ्रैंक हम तीनों अवार्ड विनर्स हैं। सो या सो आई हैव गॉट एन बेस्ट एक्टर अवार्ड फिल्म, एस्थर इज द बेस्ट एक्ट्रेस फॉर अ कोंकणी फिल्म एंड विच इज नॉमिनेटेड फॉर तेलुगु फिल्म। निहाल को रिसेंटली उसको एक मिर्ची अवार्ड मिला है, सो वी आर ऑल अवार्ड विनर्स ओवर हियर। सो तो हाँ, आई हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग कैरेक्टर रोल्स इन कनाडा। अभी मेरी शी सीजन 2 आ रही है नेटफ्लिक्स में, तो यहाँ भी काम किया मैंने, ओडिया फिल्म में भी किया, तो काफ़ी सारे लैंग्वेज में काम किया। जर्नी इज़ बिन वेरी फैंटेस्टिक। और बीचों बीच मैंने फिल्में डायरेक्ट की है, तो गैप लिया मैंने काफ़ी, 5 साल के बाद अभी फिल्में डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। राजेश जी मिले, थैंक्स टू हिम। सो एक सब्जेक्ट मैंने उनको नरेट किया, उनको पसंद आया, एक्चुअली इन्होंने अप्रूवल दिया, अश्मिता ने अप्रूवल दिया कि करेंगे। सो बैक टू डायरेक्शन विद दिस 100th फिल्म एज एन एक्टर। जी सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या थॉट प्रोसेस था इस फिल्म के पीछे, और सर की 100 फिल्में बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और उसी समय इस तरह के कहानी उनके पास लेके जाना और साथ में मिलके बनाना, और क्या कितना कोलैबोरेशन रहता है अश्मिता के साथ, किसी भी अगर कहानी की बात करें, क्या कोई डिस्कशन होती है, कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है आप दोनों के बीच में? सबूत यही है कि आप अश्मिता को मेरे साथ देख रहे हो और मेरे सारे डिसीजंस में वो साथ होती है। ये थॉट तभी आया जब पैंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा पैंडेमिक में, और काफ़ी सालों तक, काफ़ी महीनों तक लॉकडाउन था और हम लोग घर पे बस टीवी देख रहे थे। तब थॉट आया कि कुछ कंटेंट बनाया जाए। मेरा बैकग्राउंड है, मैं जी टीवी में काम कर चुका हूँ, तो थोड़ा क्रिएटिव साइड में था मेरा, और मैं काफ़ी फिल्म में भी कोऑर्डिनेशन कर रहा था जब मैं दिल्ली में था। तो संदीप बनर्जी जी ये स्टोरी लेके आए तो बहुत अच्छा हमें लगा। मैंने जब सुना तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी इमोशनल लगा, तब मैंने दोनों बेटियों को बुलाया, अश्मिता अमीशा, फिर तो उन्होंने भी सुना, दे लिटरली दे लाइक द कॉन्सेप्ट एंड देन वी एग्री। उसी दिन हमने इमीडिएटली डिसाइड किया और फिल्म का हमने अनाउंस किया। उसके बाद कोलैबोरेशन ये रहता है कि देखिए कई कंटेंट है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, बट कई ऐसे कंटेंट हैं जो हम बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। तो मैंने सोचा कि बैनर ऐसे बनाया जाए जो दोनों बेटियों के नाम से हो। ऑब्वियसली द आइडिया इज़ टू मेक सम गुड कंटेंट जो फैमिली बैठ के देख सके। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि ये जो भी फिल्में बनाऊँ या जो भी आगे काम करूँ पूरी फैमिली बैठ के देख सके। सो ये मेरा प्लान था, और इसके लिए मैंने अपने बच्चों से भी डिस्कस किया, उनके नाम से बैनर बनाया, एक गाना बना चुका हूँ जिसमें आप मिल चुके हैं मुझे पहले, और आई एम ग्लैड दैट वी वर एबल टू मेक ए ब्यूटीफुल फिल्म। संदीप जी का कॉन्सेप्ट ये बहुत अच्छा लगा, एंड इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, द एंटायर टीम इज़ रियली अमेजिंग। बहुत अच्छा प्रोसेस था, एक फैमिली की तरह हमने काम किया, और काफ़ी अच्छा अनुभूति रहा है बनाने का। संदीप जी आपसे अपने गाने का लाइन रखा है, हाँ खास वजह इतना ही है कि श्रीदेवी आई एम
श्रीदेवी के सबसे बड़े भक्त हूँ, तो आई बीन फॉलोइंग हर सिंस माई चाइल्डहुड, तो वही है उसका वो गाने का जो उन्होंने गाया था एक्चुअली चांदनी में, उन्होंने का वॉइस में गाना है, तो और वो टाइटल एक्चुअली सूट करता है मेरे फिल्म में, कॉन्सेप्ट स्टोरी ऐसा है कि रंग भरे बादल सूट करता है, तो पहला कुछ और टाइटल रखा था हमने वर्किंग टाइटल, उसके बाद जब से ये टाइटल रखा है तो इट्स बीन गुड। सर आप बताइए कैसे जुड़ना हुआ, कैसा लग रहा है? मैं संदीप जी को काफ़ी टाइम से जानती हूँ, हम लोग मैंगलोरियंस हैं, ये मैं हम तीनों एक ही होम टाउन से हैं, तो पहचान तो थी, और जब मैं इंडस्ट्री में आई तो मैं ऑलरेडी जानती थी कि ये इंडस्ट्री से जुड़े हैं, और दो हम पर्सनली एक दूसरे को नहीं जानते थे, जनरली जानते थे। पर्सनली जानना तब हुआ जब हमने साथ में शकीला नाम की एक पैन इंडियन फिल्म में काम किया, तो उसमें मैं एक्ट कर रही थी और ये प्रोडक्शन प्रोड्यूसर की तरफ से काम कर रहे थे, तो तब हमारी पहचान हुई, ज़्यादा पर्सनली जानने लगे एक दूसरे को, तब उनका पैशन मुझे पता चला कि सिनेमा मतलब वो सिनेमा को काम समझ के नहीं करते हैं, सिनेमा से बहुत प्यार करते हैं, सिनेमा इंडस्ट्री से अपने काम से बहुत प्यार रख के वो इस इंडस्ट्री में हैं। तो जब आगे जाके जब हम मेरी माँ का भी प्रोडक्शन है, हम कोंकणी फिल्म्स गोवन फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं, तो जब हमारे होम प्रोडक्शन का एक प्रोजेक्ट था तब हमने फिर से मिलकर साथ में काम किया, फिर उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट आया और उससे पहले भी कोई भी उनको ऐसा प्रोजेक्ट मिलता था साउथ में जहाँ पे उनको लगता था कि मैं वहाँ पे ठीक बैठती हूँ, फिट होती हूँ, हमेशा वो मुझे कांटेक्ट करते थे और बोलते थे कि मुझे आपके साथ फिर से काम करना है, पर किसी न किसी वजह से नहीं हो रहा था वो, और फिर आया ये सब्जेक्ट और उन्होंने बोला इस बार तो आप मना कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये प्रोजेक्ट तो बहुत ही अच्छा है और मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप ये करें। और जब मैंने ये सब्जेक्ट सुना तो मुझे रियली बहुत अच्छा लगा क्योंकि जैसे उन्होंने ऑलरेडी बोला ये कोई इट माइट नॉट बी अ कमर्शियल फिल्म, ये कोई ऐसी कमर्शियल टिकट बिकने वाली पैसा फेंक टाइप मसाला फिल्म नहीं है, पर ये एक फैमिली वैल्यूज बेस्ड स्पेशली कोरोना जैसे टाइम के बाद ऐसी फिल्म बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल लगती है क्योंकि अब हमको पता चलता है कि रिश्ते की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में, रिलेटिव्स हो या पेरेंट्स हो, बच्चे हो, पेरेंट्स और बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, इंसान को इंसान की कितनी ज़रूरत होती है, ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के ऊपर बनी फिल्म है ये, तो ये बहुत ही मुझे लगा बहुत सेंसिटिव सेंसिबल सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अभी फिल्में बननी चाहिए, ऐसी फिल्में बननी चाहिए जहाँ पे ऐसे ह्यूमन रिलेशनशिप्स के बारे में बात हो, तो उस पॉइंट को मुझे कनेक्ट हुआ और मैंने बोला चलो करते हैं इस फिल्म को, तो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। आपसे जानना चाहूँगा आपकी फर्स्ट फिल्म है, कितनी एक्साइटमेंट है और थोड़ा सा बताइए कि मतलब सिंगिंग से एक्टिंग कैसे मतलब ये चेंज आया और क्या कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा इजी या डिफिकल्ट लगा आपको? सबको नमस्कार, पहली बात तो मैं इस फिल्म में मैं कैसे आया ये बताऊँगा पहले, तो मैं बचपन से सिंगिंग ही कर रहा हूँ, वो छोड़ के कुछ नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई भी नहीं, मतलब वो भी नहीं आती मेरे ठीक से, तो जब हमको एक गाना गाने के लिए अप्रोच किया जाता है तो हमको ब्रीफ दिया जाता है कि ये गाने में एक्चुअली सीन में क्या हो रहा है ये, तो मुझे संदीप सर का फ़ोन आया, तो मैं संदीप सर को पहले नहीं जानता था, तो मेरे एक रिलेटिव से जानता था उनको, बट ऐसे पर्सनली नहीं जानता था, तो मुझे पता था उन्होंने बहुत सारे उसमें काम किए थे, तो ये सब पता था, बट फिर भी मैं उसे पर्सनली नहीं जानता था, तो सर बोले कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे एक प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है आपको, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, मैंने बोला हाँ ठीक है, अगर सर आ गए घर, मतलब 7:30 आने वाले थे वो 7:15 को ही पहुँच गए थे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, बट मैं अभी जब हम गाना एक गाना जब मुझे एक्सप्लेन, अभी मैं सिंगर हूँ ऑब्वियसली मुझे गाना ही एक्सप्लेन करेंगे ना वो, तो मैं सुन रहा था ऐसे ही सब पूरा फिल्म एक्सप्लेन कर रहे हैं, पूरा फिल्म तो मुझे मतलब हाँ मतलब ठीक है, मतलब मैं सुन सकता हूँ ऐसे, बट मैं पूरा फिल्म मुझे ब्रीफ नहीं चाहिए, बट ठीक है क्योंकि मैं सुन रहा था, हाँ ओके, तो सब मैंने पूरी कहानी सुनी, उसके बाद मैंने पूछा सर सब सही है बट मुझे यहाँ गाना कहाँ आ रहा है, कहाँ पे गाना है, बोला नहीं गाना नहीं है आपको, आपको तो एक्ट करना है, मैंने है क्या एक्ट करना है, उन्होंने बोला कि हाँ आपको एक्ट करना है, मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है, अभी अभी लाइफ पूरी एक्टिंग नहीं गुजर गई, मतलब ऐसे मतलब एक्टिंग तो ऐसे आती नहीं है, तो सर ने मुझे कन्विंस किया और मैं फाइनली प्रोजेक्ट करने के लिए मतलब मैं आ गया मतलब इस प्रोजेक्ट में, तो ये अगर मैं एक फिल्म की बात करूँ तो ऐसे मैं ये फिल्म में आया था भाई, और अगर मैं एक फिल्म की बात करूँ तो ये बहुत ही मॉडल बेस्ड फिल्म है, और हम लोगों को क्या एक लव एंड अफेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है, क्या क्या ज़रूरी है लाइफ में,
इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो और आपने पूछा कि इसमें क्या मुझे टफ लगा, मुझे पूरा पूरा एक्टिंग ही टफ लगा। मतलब ये पहले मैं सोचता था ओके ठीक है, अभी एक्टिंग में अभी स्क्रीन के सामने क्या है, मतलब ओके एक्ट कर रहे हैं, एक्टर्स डायलॉग बोल रहे हैं, ओके ठीक है, तो ओके मतलब ये तो मैं कर ही लूँगा, ठीक है, मतलब मैं कर सकता हूँ। जब मैं कैमरा के सामने आया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना नहीं, ये इतना आसान है। तो मुझे पता नहीं कि एक्टर्स कैसे इतना एक सीन में इतना अच्छा इमोशंस कैसे पोर्ट्रे करते हैं, ये मुझे मतलब ये कितना टफ है, मुझे वहाँ एक्चुअली समझ आया कि अभी मैंने पूरी फिल्म अभी मैंने तो देखी नहीं है कि मैंने क्या एक्टिंग किया है, अभी अब मुझे वो देखना है कि क्या किया है अभी। अच्छा, अब मैं खुद सरप्राइज होऊंगा कि डिप्रेस होऊंगा कि इंप्रेस होऊंगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट तो कुछ तो होऊंगा उस दोनों में से। किरदार के बारे में अगर थोड़ा बताएं, कौन किसके बारे में, किरदार कैरेक्टर कैरेक्टर किरदार सुना दिया हमने। ओके तो मेरा कैरेक्टर, हाँ बोलो बोलो जो बोलना है बोलो, ये मेरे पापा है। तो मैं इनसे दूर दूर होता हूँ और बात होती रहती है फ़ोन में सब, और इसीलिए मैंने बोला कि लव एंड अफेक्शन के बारे में है ये, मतलब मेरा कैरेक्टर बेस्ड कितना पेरेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब लाइफ में पेरेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में ही मेरा पूरा कैरेक्टर, इसके